डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली ऑडियो में मैंने आपको प्लस वन का सब्जेक्ट इलेक्टिव हिंदी का दूसरा लेसन कविता राम राज्य वर्णन, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, मैंने पढ़ाया था, जिसमें बताया गया कि श्री राम, जो कि त्रिलोकी के राजा थे, उनके सिंहासन पर बैठते ही सब दुख खत्म हो गए। किसी व्यक्ति में बैर ना रहा, गरीबी दूर हो गई, किसी को कोई दुख ना रहा, सभी नर नारी आपस में प्रेम से रहने लगे, किसी को भी अल्प मृत्यु, जिसके बारे में मैंने बताया था कि समय से पहले मृत्यु को अल्प मृत्यु कहा जाता है, के दर्द ने दुख नहीं दिया, सब लोग सुंदर शरीर वाले बन गए। आज हम उसका पांचवा चौपाई शुरू करेंगे। सब निदर्भ धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सियानी। सब निदर्भ, निदर्भ का अर्थ है सब पाखंड से रहित, पाखंड यानी कि जो हिंदू शास्त्रों में रीति रिवाज जो कहे गए हैं, हमारे पैदा होने के साथ ही और मरने के साथ ही कई तरह के रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, कह सकते हैं अंधविश्वास भी कह सकते हैं, उन्हें कहा गया है निदर्भ यानी कि पाखंड। सभी लोग पाखंड को छोड़कर धर्मरत पुनि फिर से धर्म के रास्ते पर चलने लगे। नर अरुनारी, नर पुरुष, अरुनारी नारी यानी कि स्त्री, स्त्री पुरुष सब, चतुर सब गुणी, सब लोग चतुराई छोड़कर सब लोग गुणवान बन गए। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी लोगों में अच्छे गुण आए और सब लोग पंडित बनकर सयाने हो गए, ज्ञान बांटने लगे। सब कृतज्ञ, कृतज्ञ एहसान मानने वाला, नहीं कपट सियानी यानी कि राम के राज्य में सिंहासन पर बैठते ही सभी लोग जो थे वो परस्पर प्रेम से रहने लगे और किसी पे भी छल और कपट ना रहा। दंड जतन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीव मने सुने अस रामचंद्र के राज। दंड जतन, दंड जतन का मतलब है कि राजनीति में जो साम दंड, साम दांड धाम दंड भेद, इन चारों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा गया है दंड जतन। मैं फिर से कह रही हूँ कि हिंदू शास्त्रों में राजनीति के समय जिन चार दंड को अपनाया जाता है, साम धाम दंड भेद को अपनाया जाता है, उन्हें दंड जतन कर कहा जाता है। कर भेद जह, यहाँ पर साम दाम दंड के द्वारा भेद खत्म हो गए। जह नर्तक नृत्य समाज, और यहाँ पर लोग जो एक दूसरे के इशारों पर नाच रहे थे वो समाज भी खत्म हो गया। जीव मने सुने अस रामचंद्र के राज, सब जीव मन की सुनने लगे अस रामचंद्र के राज, श्री राम के राज्य में। फूल है फरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। श्री राम के सिंहासन पर बैठते ही उनके राज्य में सब कुछ फलने फूलने लगा, लोग ज्ञानी हो गए। रहे एक संग गज पंचानन,
जो जानवर थे जैसे हाथी, शेर, चीते, वो सब एक साथ रहने लगे आपस में वैर भाव छोड़कर। खग मृग सहज बैर बिसराई। खग जो पशु पक्षी थे, मृग, हिरण आदि, वो सब अपना सहज बैर मतलब आपस में वैर भाव, दुश्मनी छोड़कर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सब ने परस्पर प्रीति बढ़ाई, सब आपस में प्रेम बढ़ाने लगे। कूजह खग मृग नाना वृंदा, अभय चरे वन करे आनंदा। कूजह खग पक्षी थे, वो कूकने लगे, कूजे यानी कि कूकने लगे, चहचहाने लगे। मृग नाना वृंदा, जो पशु थे वो चरने लगे। अभय चरण वन करे आनंदा, सब पशु पक्षी एक साथ चरने लगे और आनंद से रहने लगे। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, गूंजत अली लह चली मकरंदा। शीतल सुरभि, सुरभि यहाँ पर वायु हवा को कहा गया है। शीतल सुरभि सुबह के जो सुबह का जो कह सकते हैं जो दृश्य होता है, पवन हवा को कहा गया है, जो सुबह के जो दृश्य को देखकर हवा चल रही थी वो भी मंद मंद चल रही थी। गूंजत अली लह चली मकरंदा, अली जाने की जो कलियां पेड़ पत्तों को कहा गया है, अली फूल की कलियों को कहा गया है, वो भी धीरे धीरे उसमें से मकरंदा भवरे को कहा गया है। मीठी मीठी हवा के साथ साथ जो भवरे थे वो भी कलियों के ऊपर से मकरंद शहद उसको इकट्ठा करने लगे। लता बिटप मांगे मधु छवही, मन भाव तो धेनु पै सवही। लता जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसकी जो बड़ी बड़ी डालियां होती हैं उन्हें लताएं कहा जाता है। लता बिटप मांगे मधु चवही, लता अपने आप में से मधु शहद को निकालने लगे। मन भाव तो धेनु पै सवही, गायें सभी को मन भावन दूध देने लगी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, हंता मह कृतज्ञ जुग कह करनी। सभी लोग संपन्न होने लगे और सदा सुख से रहने लगे। हंता मह कृत युग कह करनी, और इस युग में लोग खुशी से काम करने लगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस कविता से रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें आपने इस कविता को सुनकर ही उसमें से काम करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम बताएं। दूसरा है, इस कविता में किन दो तापों का वर्णन किया गया है, जो कि आपको इस पेज के दूसरे चौपाई में ही मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, श्री राम के राज्य में जानवरों को की सुरक्षा के बारे में क्या कहा गया है, इसका आपको जो है उत्तर है वो भी आपको छठे ही चौपाई में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, कविता में किस दंड का वर्णन किया गया है, आपको दंड के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है, ये आपने ध्यान से कविता सुन के उसमें से लिखना है। इसके साथ ही आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको अर्थ लिखने हैं।
पहला है निधर्भ, जिसका अर्थ मैंने आपको इसमें बताया है। दूसरा है खग। तीसरा पय। और चौथा है बारिद। इसके साथ ही दो फिलिंग्स ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान हैं, जिसे आपने कविता पढ़ते हुए या सुनते हुए भी उसी में से आपको उसके उत्तर जो है मिल जाएंगे। पहला है दैहिक दैविक डैश तापा। दूसरा अभे चरे बन करे ही डैश। डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आपको जो साथ में दिया गया है, आपने कविता को अच्छी तरह से सुनकर उसी में से करना है और नोटबुक पर उसको लिखना है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।